आसनसोल के सलानपुर थाना की रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस ने चोरी के मामले में दो युवकों को किया गिरफ्तार। उनके पास से एक एलसीडी टीवी, 8 स्मार्टफोन, 2 लैपटॉप और सोने के गहनों समेत लाखों के सामान बरामद किए। चोरी के मामले में गिरफ्तार चंदन रुद्र और इसके राजकुमार सलानपुर के जेमारी ग्राम के रहने वाले हैं। आसनसोल के सलानपुर थाने की रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश कर उनके पास से लाखों रुपए की चोरी की सामग्री बरामद करने में सफलता हासिल की है। चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम चंदन रुद्र और एसके राजकुमार हैं। यह दोनों सलानपुर के जेमारी ग्राम के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके पास से पुलिस ने एक एलसीडी टीवी, एक गिटार, 2 होम थिएटर सीसीटीवी डिवाइडर, 2 लैपटॉप, 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 टुलू पंप, स्प्रे मशीन के अलावा 2 सोने के गले का हार, 2 कंगन, अंगूठी, गले की चेन समेत अन्य कई आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चोरी के दोनों आरोपियों की पेशी गत 25 जुलाई को आसनसोल जिला अदालत में की थी, जहां से अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। पूछताछ के दौरान चंदन रुद्र और एसके राजकुमार ने कई चोरी की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन दोनों की निशानदेही पर ही पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर लाखों रुपए की चोरी की सामग्री बरामद की। बताया जाता है कि रूपनारायणपुर एवं इसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से सिलसिलेवार ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। चोरों के निशाने पर ऐसे घर रहते थे जिनमें कोई नहीं रहता था। हाल ही में एक महिला के गले से सोने की चेन छिनताई हुई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं की जाँच के लिए एक विशेष टीम गठित की गयी। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों के रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद शनिवार को फिर उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि दोनों आरोपी पिछले करीब 1.5 वर्षों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और चोरी की सामग्रियों को बेहद कम कीमत पर बेच देते थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।